हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी आपके पास। इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कौन से नंबर हमारे पास डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और कौन से नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 13/3125। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को हम। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 13/3125। तो हमने क्या प्रूव करना था, यहाँ पर बताना था कौन से नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 13/3125। ठीक है, और ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे इसको। ठीक है, 13 हमारे पास क्या है, न्यूमिरेटर, और डिनोमिनेटर है हमारे पास 3125। तो 3125 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, 5 से डिवाइड होता है ये, 5 6 30, 1 carry 12 बन जाएगा, 5 2 10, 2 carry 25 बन जाएगा, 5 5 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 1 5, 1 carry 5 2 10, 2 carry 5 5 25, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 2 carry 25 बन जाएगा, 5 5 25, देन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25, 5 1 5। अब हम कंपैरिजन करते थे डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2n इंटू 5m। अगर इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आता है 2n इंटू 5m में, तो वो चीज हमारे पास टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होती है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो यहां से 13 को मैं p ले लेती हूँ, रैशनल नंबर को हम लिखते थे x इज इक्वल टू p/q। तो p की वैल्यू, यहां पर p है हमारे पास 13 एंड q है हमारे पास 3125। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, या फिर आप 3125 ये भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 5 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास 5 टाइम्स है। तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। देखो एनीथिंग पार 0, 2 की पार 0 है, तो आंसर कितना आएगा 1। तो 1 × 5 की पावर 5, अगेन हमारे पास 3125 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, ये हमारे पास 2n इंटू 5m इस फॉर्म में है, तो लिखेंगे विच आर ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, हेयर n इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 5। n की पावर यहां पर 0 है और n यहां पर 0 है एंड m यहां पर 5 है, 2n, तो n 0 था, एंड 5m, तो m यहां पर 5 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे साथ में, विच आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, विच आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 13/3125 हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सब क्वेश्चंस का हम ऐसे ही कंपैरिजन करेंगे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 2n इंटू 5m में आएगा, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, और जो हमारे पास 2n इंटू 5m इस फॉर्म में नहीं होगा, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।
सेकेंड पार्ट है हमारे पास 17/8। अगेन कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 17/2 × 2 × 2। तो ये आ गया हमारे पास 17/2³। तो कौन, तो ये हमारे पास देखो 2^n इस फॉर्म में है, इसको हम 17/2³ × 5^0 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन ये हमारे पास 2^n × 5^m इस फॉर्म में है। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 3 है एंड m की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफोर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 17/8, ये भी क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट है हमारे पास 64/4, 5, 5। तो अगेन डिनोमिनेटर के हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो 4, 5, 5 के फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा ये, 5 9 = 45, 5 1 = 5। देन 7 से डिवाइड होगा, 7 1 = 7, 7 3 = 21, 13 1 = 13। अब देखो यहां पर हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 4, 5, 5, तो 4, 5, 5 के फैक्टर आए 5 × 7 × 13, और ये हमारे पास 2^n × 5^m इसकी फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर 13 हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस, आप इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हो, 64/5 × 7 × 13। तो लिखोगे सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2^n × 5^m एंड इट ऑल्सो contains 7 and 13। यहां पर हमारे पास 7 और 13 भी एक्स्ट्रा पेयर हैं, ठीक है। एज इट्स फैक्टर्स इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास 2^n × 5^m इस फॉर्म में नहीं आता है, इससे एक्स्ट्रा पेयर आते हैं, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका आंसर हमारे पास, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 15/1600। तो 1600 के फैक्टर्स बनाएंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 = 16, 0 0, 2 4 = 8 0 0, 2 2 = 4, 2 1 = 2, देन 2 से करेंगे अगेन, 2 5 = 10, 0, 2 2 = 4, 2 5 =, देन 5 5 = देन 5 1 =। तो कितने फैक्टर बने, या क्या फैक्टर बने हमारे पास, 15/2^1 2 3 4 5 6 2^6 × 5^2। ये फैक्टर्स बने। अब देखो अगेन ये यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास 2^n × 5^m इस फॉर्म में है, तो ये वाला क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 29/343। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 29/343, 7 3 = 7 होता है हमारे पास। अब देखो डिनोमिनेटर हमारे पास 2^n × 5^m इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा ये हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। फिफ्थ ये आ गया। सिक्स पार्ट है हमारे पास 23/2^3 × यहां पर हमारे पास इंटू होगा 5^2। तो देखो ये हमारे पास
टू की पावर एन इंटू फाइव की पावर एम इस फॉर्म में है। एन की वैल्यू यहां पर थ्री है और एम की वैल्यू टू है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सेवंथ पार्ट है हमारे पास 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 5 एंड 7 की पावर 5। तो देखो यहां पर हमारे पास 7 फैक्टर एक्स्ट्रा है, 7 फैक्टर भी है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सेवंथ हमारे पास ये आ जाएगा। एट्थ है हमारे पास 6/15, तो देखो ये डिवाइड हो जाता है, 3 2 6, 3 5 15, तो इसको हम 2/5 लिख सकते हैं। अगेन डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m इस फॉर्म में है, तो ये क्या होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है नाइन्थ हमारे पास 35/50, तो ये क्या होगा हमारे पास, अगेन ये भी डिवाइड हो सकता है हमारे पास, 5 7 35 और 5 10 50, तो 7/10 इसको हम लिख सकते हैं, 7/2 × 5, अगेन ये हमारे पास 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारे पास 77/210, तो यहां पर 210 के फैक्टर्स क्या बनते हैं हमारे पास, 77/210 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 पेयर्स करेंगे तो 0 आएगा बीच में, 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35, 7 1 जा, तो 2 × 3 × 5 × 7। अब यहां पर हमारे पास 3 और 7 ये पेयर्स भी हैं, तो अगेन ये वाला हमारे पास डिनोमिनेटर 2 की पावर n × 5 की पावर m इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो भी था आपके पास, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको सॉल्व करोगे और जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास 43.12345678 9, हमें बताना था इन तीनों क्वेश्चंस में कि कौन सा हमारे पास रैशनल नंबर है और कौन सा हमारे पास इरैशनल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 43.12345678 9, तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेसिमल को यहां से रिमूव किया तो कितने डिजिट आएंगे, 0 आएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 इसको हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। तो देखो यहां पर ये क्वेश्चन, डिनोमिनेटर हमारे पास
टू की पावर एन इंटू फाइव की पावर एम इस फॉर्म में है, तो क्या होगा ये हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है रैशनल रैशनल नंबर्स। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 0.12012001200012000012000। नेक्स्ट ऐसे ही है, तो ये वाले नंबर कौन से हैं हमारे पास इरेशनल 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 नंबर। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 43.12345678 9 इसके ऊपर बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं देखो हम 43.12345678 9 बार है। अगेन यही चीज रिपीट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू यही चलता रहेगा हमारे पास। तो ये नंबर भी क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप इस तरह से सॉल्व करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।